डिफेंस मिनिस्ट्री ने आर्मी के लिए अराउंड 73,000 असॉल्ट राइफल्स की प्रोक्योरमेंट की अप्रूवल दी है, जो कि यूएसए की फर्म यूएसए की कंपनी सिग सॉवर द्वारा परचेज की जाएंगी और इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट अराउंड 840 करोड़ होने वाली है अप्रॉक्सीमेटली। कॉस्ट वाइज देखा जाए तो ये कोई बड़ी अप्रूवल में नहीं आती, बट स्ट्रेटजिकली आर्मी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रूवल है। सिग सॉवर असॉल्ट राइफल्स की ये प्रोक्योरमेंट आर्मी का ये एक रिपीटेड ऑर्डर होगी, क्योंकि इससे पहले भी इंडियन आर्मी इन राइफल्स को प्रोक्योर कर चुकी है, जिसमें 72,400 सिग सॉवर असॉल्ट राइफल्स के 716 मॉडल्स को परचेज किया गया था और उनमें से 66,400 यूनिट्स आर्मी के लिए थी, 4,000 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज के लिए और 2,000 यूनिट्स इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज के लिए। और इन राइफल्स को लद्दाख सेक्टर और कश्मीर वैली में, मतलब पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर, इंडियन आर्मी ऑलरेडी इनको यूज़ कर रही है। और ये जो 73,000 राइफल्स की फ्रेश अप्रूवल दी गई है, ये सेम अप्रूवल 2020 में भी दी गई थी, बट कुछ रीजंस की वजह से वो डील आगे नहीं बढ़ पाई, सो अब उसी अप्रूवल को दोबारा रिन्यू किया गया है। बात करें दूसरी ओर इंडिया रशिया के साथ जॉइंट वेंचर के अंडर AK-203 असॉल्ट राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में है, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगी। और ये AK-203 राइफल्स इंडिया की पुरानी इंसास राइफल्स, दैट इज़ इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, और AK-47 राइफल्स को रिप्लेस करेंगी, जो कि ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुकी हैं। बट इन राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग में अभी डिले चल रहा है और इनकी डिलीवरी में, इनकी प्रोक्योरमेंट में अभी टाइम लगने वाला है। सो इंडियन आर्मी अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए सिग सॉवर असॉल्ट राइफल्स के सेम 73,000 के रिपीटेड ऑर्डर की तरफ गई हैं। बात करें इंडिया रशिया के इस जॉइंट वेंचर की, IRRPL इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के कोरबा में सेटअप किया गया है और 2019 में प्राइम मिनिस्टर द्वारा इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया था और यहाँ पर अराउंड 750,000 AK-203 राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और ये जॉइंट वेंचर इंडियन और रशियन कंपनीज के बीच में है, जिसमें इंडिया की एडवांस्ड इक्विपमेंट्स, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड और मिनिशंस इंडिया लिमिटेड का 50.5% शेयर है और रशिया के क्लाशनिकोव ग्रुप और रशिया की स्टेट ओन्ड एक्सपोर्ट एजेंसी रोजोबोरन एक्सपोर्ट का बाकी का 49.5% शेयर है। स्टार्टिंग में AK-203 राइफल्स की अराउंड 1 लाख यूनिट्स को डायरेक्टली रशिया से इंपोर्ट करने का प्लान था और बाकी की 650,000 यूनिट्स की इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग। बट इस जॉइंट वेंचर की के एस्टेब्लिशमेंट के बाद इस डील में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि कॉस्टिंग की, रॉयल्टी पेमेंट्स की, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक कि इसमें कितना इंडिजिनस कॉन्टेंट यूज़ होगा। और इसके बाद 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशियन कंपनीज़ के कुछ इश्यूज, सो मैन्युफैक्चरिंग में डिले होता गया। AK-203 राइफल्स की इंपॉर्टेंस को देखें तो ये आर्मी के लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट INSAS, मतलब फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम का एक पार्ट है, जो कि सोल्जर्स को 3 प्राइमरी सब सिस्टम से इक्विप करेगा, जिसमें पहला है AK-203 राइफल्स और हेलमेट्स, जिनका पर्पज़ है 360 डिग्री विजिबिलिटी और एक्यूरेसी प्रोवाइड करना। सेकंड है प्रोटेक्शन थ्रू स्पेशली डिज़ाइंड हेलमेट्स एंड बुलेट प्रूफ जैकेट्स, और तीसरा है कम्युनिकेशन एंड सर्वेलेंस सिस्टम। सो INSAS और AK-47 राइफल्स की रिप्लेसमेंट को ध्यान में रखते हुए ये राइफल्स ना सिर्फ एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बट अपनी अपडेटेड टेक्नोलॉजी और लीथल कैपेबिलिटीज़ के कारण इन्फेंट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट आर्म होंगी। बात करें असॉल्ट राइफल्स की ज़रूरत की, तो स्टार्टिंग में जब 1990s में लोकली मैन्युफैक्चर्ड INSAS राइफल्स को प्रोक्योर किया गया, तो उस टाइम ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और परफेक्ट वेपन था, बट धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के साथ इनकी टेक्नोलॉजी पुरानी होती गई। टाइम टू टाइम इनमें काफ़ी अपग्रेडेशंस भी की गई थी, बट
अभी करंट सिनारियो में ये राइफल्स एक यूजलेस वेपन है, क्योंकि उस टाइम जब आर्मी ने इन राइफल्स को प्रोक्योर किया था तो उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ज़्यादा लीथल राइफल्स को प्रोक्योर करने का नहीं था, जिनको शूट टू किल सिस्टम भी कहा जाता है। बट अभी करंट सिनारियो में जब आर्मी को काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं तो अभी इन राइफल्स की सख्त ज़रूरत है, लाइक दीज AK-203 और SiG Sauer राइफल्स, जो कि हाई कैलिबर वेपन है, शूट टू किल सिस्टम। बात करें SiG Sauer राइफल्स की, तो जैसे हमने पहले बात की कि दीज राइफल्स आर मेंट टू शूट एंड किल सिस्टम्स, और INSAS और AK-47 राइफल्स के कंपैरिजन में इनकी शूटिंग रेंज ज़्यादा है और इनकी शूटिंग एक्यूरेसी ज़्यादा है और इनकी शूटिंग रेंज भी ज़्यादा है, अराउंड 600 मीटर्स तक इनकी फायरिंग रेंज है। और स्टार्टिंग में 2020 में जब इन राइफल्स को प्रोक्योर किया गया तो शुरू में कुछ हर्डल्स आए थे, जैसे कि इनकी जो एम्यूनिशन और एडिशनल किट्स थी वो काफ़ी कॉस्टली थी, सो एम्यूनिशन को लिमिटेड क्वांटिटी में ही परचेज़ किया गया था, और इनका जो एक ऑप्टिकल डिवाइस था वो भी परचेज़ नहीं किया गया। ऑप्टिकल डिवाइस एक तरह का एक साइड सिस्टम होता है जिसमें एक पॉइंटर लगा होता है जो सोल्जर को गाइड करता है कि एग्जैक्टली बुलेट कहां पर हिट होगी। बट इन दोनों इश्यूज़ के हल भी निकाल लिए गए, जैसे कि जो एम्यूनिशन का इशू था उसको इंडिया के लोकली मैन्युफैक्चर्ड और इजीली अवेलेबल राउंड से रिप्लेस कर दिया गया, और जो ऑप्टिकल डिवाइस का इशू था उसको भी इंडिया के पास जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एग्जिस्टेड साइड सिस्टम थे उनसे रिप्लेस कर दिया गया और उनको इन SiG Sauer राइफल्स पर अटैच कर दिया गया। हालांकि ये ऑप्टिकल डिवाइस इतने कंपैटिबल नहीं थे बट फिर भी वर्केबल थे। इसके अलावा इन राइफल्स के कुछ हैंडल ग्रिप के भी इशू थे, इशू इसलिए क्योंकि आर्मी इन राइफल्स से यूज टू नहीं थी, बट उसमें भी कुछ माइनर चेंजेस कर लिए गए, कुछ ट्वीकिंग्स कर ली गई जिसको जुगाड़ भी कह सकते हैं। सो 73,000 राइफल्स के इस रिपीटेड ऑर्डर की प्रोक्योरमेंट के बाद ये इश्यूज अब नहीं होंगे। बट अगेन ये प्रोक्योरमेंट आर्मी की सिर्फ अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स और शॉर्टफॉल को एड्रेस करने के लिए है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को अराउंड 8.1 लाख असॉल्ट राइफल्स की ज़रूरत है, जिसमें से 7.6 लाख राइफल्स सिर्फ आर्मी को चाहिए, और ये ह्यूज रिक्वायरमेंट AK-203 की लोकल मैन्युफैक्चरिंग से ही कंप्लीट हो सकती है, जिसमें अभी डिले चल रहा है। 2019 में इस फैसिलिटी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप किया गया था, और एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मार्च 2024 से इन राइफल्स की डिलीवरी स्टार्ट होनी थी, बट जो भी रीजंस हैं इसके डिले के, गवर्नमेंट नीड्स टू सॉर्ट देम आउट एट अर्लीस्ट, क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बाद गवर्नमेंट कई इक्विपमेंट्स और पार्ट्स के फॉरेन परचेजेस पर बैन लगा चुकी है, बट दूसरी ओर नॉट एबल टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट्स। बट अगेन SiG Sauer असॉल्ट राइफल्स को दोबारा प्रोक्योर करना ही बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है टू मीट द अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्मी, जब तक AK-203 की प्रोक्योरमेंट स्टार्ट नहीं होती। इसके अलावा इंडिया ने 2021 में AK-103 राइफल्स, जो कि AK-47 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, उनकी 70,000 यूनिट्स को प्रोक्योर करने के लिए रशिया के साथ डील साइन की थी, और वो डील एमरजेंसी प्रोविजंस के अंडर साइन की गई थी। एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोविज़न इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के क्रिटिकल गैप्स को फिल करने के लिए होती हैं, जिसमें फोर्सेस के पास फ्रीडम होती है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग किसी भी वेपन को प्रोक्योर कर सकती हैं, और उनकी प्रोक्योरमेंट भी फास्टेस्ट अवेलेबल रूट के थ्रू होती है।